लेफ्ट हो जाए ना तो प्लीज वापस। ओके, सब बच्चे लोग का वेरी गुड इवनिंग। आई होप सर सारे जी, बच्चे, गुड इवनिंग। आप सर आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों तक मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा कि 1 हफ्ता हो गया। फाइव सेंचुरीज बीत हाँ गई बड़ी मुश्किल से। जी, ठीक है। हाँ तो लगता है दीपिका ने सबको बहुत, हाँ आई वॉज, हमने भी आप सबको बहुत मिस किया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और एक आपको कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, इवन इस बार के जो जे एग्जाम है, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा जो मीटिंग वहां पे हुआ, हमने बच्चा दो चीज हम चीज का नोटिस हमने नोटिस किया, नोटिस किया बच्चों, ध्यान देना, नोटिस ये किया कि जितने बच्चे हमारे यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं ना, उन सबको बच्चा सबसे पहले ये देखना है कि वो आपका टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, वो आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। कि बच्चा ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने बार बार सुना होगा बच्चों। अभी मैं क्यों बोलूंगा कि बड़ी ध्यान सुनो, जैसे बच्चा आपने 2 दिन पहले आपने एक नोटिफिकेशन आया था, है ना, 2 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन आया था कि नीट 2024 का एक नया सिलेबस आया है, राइट, सुना होगा आपने, यस सर। है ना। तो नीट 2024 का सिलेबस आया है और उन्होंने वो टॉपिक डाला बच्चा जो आपका एनसीईआरटी में पूछा गया था, ठीक है ना। तो क्या पता जब आपका जेडब्ल्यू का भी आपका नोटिफिकेशन बच जाएगा तो आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिखने मिलेगा। तो बच्चा प्रिपेयर रहना, प्रिपेयर रहना, आपको एक बात ध्यान रखना है। तो आप ये थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, शायद शायद आपका सिलेबस से बच्चा जो रट्टा मारल पार्ट है वो शायद आपका नहीं आया, शायद नहीं आया। और एक बात बच्चा, अब देखो जब हम बात करते हैं जेई के बारे में, आपको पता था, आपको पता था, देखो बच्चों, एक आपका था 11th का पार्ट आता, एक आपका था 12th के पार्ट, ये बात ध्यान रखना। दो पार्ट आता है, एक 11th का एंड 12th का पार्ट आता है। अब बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बार बार बोल चुका हूँ बच्चों, 11th में आपका सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और आपका जो सिक्स चैप्टर है दैट इज थर्म बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आते हैं। और बच्चा जो आपका 12th वाला पार्ट है, और कितने क्वेश्चन है बच्चों, या तो एक दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये आपके मेजर पार्ट ऑफ ये पार्ट आपका है पार्ट। जब बच्चों हम जब हम बात करें 12th की बात करते हैं, तो बच्चों अगेन बोलूंगा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी बच्चे में देखा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी से देखो बच्चों, अभी से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे आप ये ट्राई करना, भले आप आंसर गलत दोगे चलेगा, लेकिन आप आंसर देने की कोशिश करना। अगर आप उसका सही दोगे बच्चों तो आपका माइंड दौड़ेगा कि हाँ मुझे एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ तो मुझे और अच्छे से मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा, तो ऐसे आपके माइंड में चैलेंज आएगा। तो आपका आप है ना क्वेश्चन को बार बार देना कोशिश करोगे। तो 11 बच्चों आपका देखो, दो 9 चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और आपका 10 से लेकर 13 चैप्टर बच्चा, यहीं से बच्चों आपका मैं मान के चलो 8 क्वेश्चन आने वाला, 8 क्वेश्चन तो इसी पार्ट से आ जाएंगे। सेकेंड चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा, फोर्थ चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, और आपका थर्मो से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगेन बोलूंगा मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और आपको उसको बार बार रिकॉल करूंगा, इससे क्या होगा आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर होगा। और ये बोल बच्चों, एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, अगर आप दिमाग लाओगे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने भी नोटिस किया हो बच्चों, जब हम वो टॉपिक पढ़ लेते थे, वो टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या करते थे, हम उसको बार बार रिवाइज करते, आपको आ जाता था, राइट। तो वैसे बच्चा आपको प्रॉपर यहाँ पे से समझना है, ठीक है सारे बच्चे, डन यहाँ पे, यस सबको सर, यस मिलेगा। सर। ओके, अब देखो ये तो पढ़ हो गया। अब देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अमाइंस चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, फिर भी मैं बोलूंगा बच्चों फिर आपको अगर वापस हम आज से क्लास नया स्टार्ट करते हैं, क्यों हमें उसको रिविजन करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने कहा था बच्चों कि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों आपको इस पार्ट को प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपका साइनाइडल पार्ट है, साइनाइड या नाइट्रल पार्ट बच्चों, उसमें से क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी हमको देखना पड़ेगा,
और तो बच्चों और क्या था बच्चों, जब हम बात करते हैं ऑर्डर, जब हम बात करते हैं बेसिसिटी, जब हम बेसिसिटी का ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं, तो बच्चा उसके बारे में भी आएगा बच्चों, वो भी आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। तो अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, जो इसका इम्पोर्टेंट इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका वहीं से आ रहा है। और बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना बच्चों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ बच्चों, वो रीजन को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। तो ये क्या बच्चों, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आपको इसको प्रॉपरली अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका सबसे ज्यादा AIMP है। डन सर बच्चे? हाँ है ना? यस सर। ओके, अब भी बच्चों हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट करते थे, हमने इसका IUPAC नेम्स के बारे में देखे थे, हम इसका IUPAC नेम्स के बारे में देखे थे। अब हम ये देखे थे कि कौन सा अमाइन जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब भी बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम अमाइंस कहते किसे। प्रतिभा, सारे बच्चे जो क्लास नहीं आए थे वो जरा इसको ना प्रॉपर समझिए, हम कैसे बात करते हैं। ओके, तो बच्चों जब हम अमाइंस के बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है, अगर आपका आर आर क्या बच्चों, आर आपका अल्कल ग्रुप है, अगर आपका आर में NH2 दिखे, दैट इज अगर आपको नाइट्रोजन कंपाउंड दिखे, तो आपको क्या, वो आपका अमाइंस होगा, ठीक ना। आपको ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी कार्बोनिल कार्बन नहीं है, जैसे कि जैसे पहले होता था, जैसे ये सी डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप आपका है नहीं इसके अंदर, ये आपका कार्बन, इसमें आपका ये नहीं आता, तो ये आपका अमाइंस है। अब देखो अगर आपका NH2 के साथ अगर आपको कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ जाता है, तो क्या जब हो जाएगा बच्चों, ये हो जाए आपका, हो जाएगा एरोमेटिक अमाइंस हो जाएगा, और एक होगा आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब क्या बच्चों, इसमें आपका कार्बन कार्बन सिंगल चेन आएगा, तो ये आपका बन गया। फिर क्या मैंने बताया था बच्चों, आपको मैंने ये बताया था आपको अमाइंस को क्लासिफाई करना है, कैसे करना बच्चों, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्लासिफाई करना था। तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों आप प्राइमरी में कैसे क्लासिफाई करोगे। अब देखो अगर आपका नाइट्रोजन है, अगर आपके नाइट्रोजन के जहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है अगर उसके पास दो हाइड्रोजन है तो वो आपका प्राइमरी हो जाएगा, अगर आपका दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हो जाएगा। अगर अगर आपका कुछ ऐसा ग्रुप दो, ये आर आ गया, ये यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे आपका एन आ गया, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका अमाइंस है। लेंगे बच्चों यहाँ पे आपका एक ही एच है, तो कैसा हो बच्चों, ये होगा आपका होगा सेकेंड, ये आपका सेकेंडरी अमाइन होगा, क्या आपका सेकेंडरी अमाइन होगा। अगर बच्चों अगर आपका नाइट्रोजन में अगर आपका तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बचेगा, वो आपका टर्शियरी अमाइन, मतलब वहां पे आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये पार्ट दिखा होगा। देखो बच्चा जरा जरा इसको ना आराम से देखो, ये आपका टर्शियरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका प्राइमरी अमाइन, और ये क्या बच्चों, ये आपका है अमोनिया, ये आपका अमोनिया है। हाय ऐश्वर्य बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? ऐसे भी तो बोल सकते थे ना कि जो 1 डिग्री है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप आएगा, 2 डिग्री। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो ज्यादा सही है क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होएंगे ना, 2 1 0। देखो वो आप पे डिपेंड करता है, मोस्टली क्या होता है ना बच्चा, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आपने अभी आपको समझ में आ गया हो रहा है। अब देखो जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये पार्ट बता दूं, ये पार्ट बता दूं, देखो अब कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन करता है, सेकंड वाला क्वेश्चन करता है, अब मुझे ये बता बच्चों कि यहाँ पे आपका ये आपका किस टाइप का अमाइन है, ये प्राइमरी है सेकंड इंटरेस्ट, ये बताओ जरा सेकंड वाला, जो आपका सेकंड वाला है वो कैसा अमाइन है, ये प्राइमरी है? नहीं बच्चा ना, ये आपका टर्शियरी है, दो मिथाइल ग्रुप दिखा दिया तो यहाँ पे दो मिथाइल आ गया,
लेकिन ये भी तो आपके एक एरोमेटिक रिंग है, ये भी तो आपका अरम... तो ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका टर्शरी अमाइन होगा। आप समझिए मेरे पे बच्चा, है ना, ऐसे करना। एक बार फिर बताओगे? जी 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 श्योर बताइए। अब देखो मैंने क्या बताया बच्चों, अगर आपका नाइट्रोजन पे अगर आपका तीन अगर आपका अल्काइल ग्रुप होगा तो वो आपका टर्शियरी अमाइन होगा, या तो तीन अल्काइल ग्रुप होना चाहिए या तो आपका कोई हाइड्रोजन ही होना चाहिए। अब देखो अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये कैसे बना चाहिए, आप कैसे बनाए, देखो ये आप कैसे बनाए, ये एन है, मैं ये बना, मैं आपको ये बना बना ठीक है। देखो यहाँ पे एक आपका मिथाइल आ गया, देखो यहाँ पे आपका दो मिथाइल है, यहाँ पे से टू लिखा है, तो पहला मिथाइल, ये आपका दूसरा मिथाइल, तीसरा क्या बच्चों, तीसरा आपका ये पूरा ग्रुप आपका तीसरा पार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका ये पूरा ग्रुप बना लो ऐसे करके, है ना, तो ये आपका तीसरा पार्ट। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका तीन अल्काइल ग्रुप बोलो, दो अल्काइल और एक एरोमेटिक है, तो क्या बच्चों का ये आपका टर्शरी अमाइन होगा, ऐसे आपको समझना है। तो मेरा मैंने कैसे किया था बच्चों कि अगर आपके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी है, सिंपल ऐसा मैंने किया था, बताया था। डन सारे बच्चे? प्राइमरी होगा फिर? फर्स्ट वाला प्राइमरी हो जाएगा एकदम से बोला, ये वाला आपका हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देख लो जरा, थर्ड और फोर्थ वाला देख लो बच्चा, देख लो। और हाँ अब ये आंसर देंगे प्रतिभा, प्रतिभा मेरी आवाज आ रही है कि आपको, प्रतिभा या टीना, ये जिन बच्चों का आंसर वो ये पार्ट समझ गए क्या, अगर वो पार्ट समझ गए तो प्लीज वो आंसर करेंगे, कौन सा पार्ट बच्चा जो हमने अभी ये वाला पार्ट किया, जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, को बता पाएगा कि ये आपका कैसा प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो मैं बच्चा, है सर, प्राइमरी है, तो बच्चा ये आपका प्राइमरी है। अब बच्चों इसको ना कंफ्यूज करते बच्चों, कैसे करते, ये देखो ये पार्ट ऐसा ना, देखो ये पैसा दिया है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, उससे के जुड़ा बच्चों, उसके जुड़ा गया, उससे जुड़ा कार्बन, एक कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन, और क्या बच्चों आपका दो इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका दो इथाइल आ गया, यहाँ पे आपका दो इथाइल आ गया। तो हमें करना है बच्चों, हमें इस वाला पार्ट को देखना है, ये प्राइमरी सेकेंडरी किस, तो कैसे बच्चों ये आपका प्राइमरी वाला पार्ट, ऐसे आपको करना। डन सारे बच्चे? है ना, यस यस सर, ऐसे बच्चे आपको प्रॉपरली करना। लास्ट वाला फिर सेकेंडरी से एकदम से बोलो, ये आपका आएगा सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी आएगा, एकदम आपने सही बोला। अब देखो अभी हम देख बार देखते हैं हमने वहां पे क्या पढ़ाई किया था, राइट, यहाँ पे देखो, देखो बच्चा अब यहाँ पे लिखा, देखो बच्चों प्राइमरी अमाइन में क्या आएगा, इफ देर आर टू हाइड्रोजन, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, और ऐसा पार्ट और अल्काइल ग्रुप, रुको जरा यहाँ पे देखो, हाँ वो चीज आपको यहाँ बता गया, देखो तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे देखो क्या, देखो एस प्राइमरी अमोनिया ईएल पार्ट है, ये आपका प्राइमरी पार्ट है, इफ टू हाइड्रोजन एटम से ईएल पार्ट दिया है और वन हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 आर रिप्लेस दो, तो क्या वो आपका अलग अलग पार्ट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, तो मैंने क्या बोला बच्चों, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, तो टर्शियरी, या तो फिर हम जिससे, या तो हम आपका रिप्लेस जैसे हो तो हम वैसे बोल सकते हैं, और आपका एक आर, अगर आपका एक अल्काइल है तो प्राइमरी, दो अल्काइल है तो सेकेंडरी, अगर आपका तीन अल्काइल तो वो आपका होगा टर्शियरी। तो ये आप इसको जो प्रॉपरली समझ सकते हैं, आई होप सारे बच्चों लोग को ये पार्ट को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिभा, पायल, अशोरिया, सुनिधि, सीमा, सबको अच्छे से आ रहा है, अनिका, अंतरा आ रहा है ना? यस सर। ओके अब देख बच्चों यहाँ पे बात क्या आ गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये बहुत सिंपल बच्चा, देखो जब हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में, है ना, अमोनिया स्ट्रक्चर ये, तो एग्जाम में पूछेंगे बच्चा किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो बच्चा आपको हमेशा याद रखना है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3
और शेप के बच्चों, इसका शेप क्या आएगा? इसका शेप आएगा पिरामिडल, पिरामिडल। पिरामिडल आएगा। अब देखो नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा किया, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा किया, सबने अपना अपना ऑक्टेट पूरा किया। अब क्या बच्चों, एक इसके पास एक लोन पेयर आ गया, बच यस गया, सर। तो क्या ये सोचे थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा सा बेंड बेंड हो गया, राइट। और बॉन्डल क्या बना बच्चों, बॉन्डल बना ये आपका 107 बनाया, तो ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे बच्चा आपको प्रॉपरली समझ में आई गेस। किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं आ रहा होगा, राइट? नहीं तो समझ में आ रहा सर ये डायग्राम है। दोबारा था कौन मैं कर गई थी, सा वाला पार्ट? एग्जाम्पल ये डायग्राम जो आपने बताया ना भी स्ट्रक्चर ये वाला बता दो। सिंपल है। देखो अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और आपका एक लोन पेयर बन रहा है, अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो वो आपका पिरामिडल शेप होगा। ये बच्चा, ये आपका 11th का 4th चैप्टर में आपका आता है VSEPR थ्योरी। बच्चों इसको तो यस पढ़, इसको तो बच्चा पढ़ना ही है, बिकॉज यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो यस बच्चों वो एक सर। टेबल है, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप ना उसको आप आराम से पढ़ लेना, तो आप आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? तो आप आराम से कर लोगे, यस डन? सर। ओके। अब देख बच्चों रियल पार्ट की बात करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, अभी यहाँ पे बोला गया था इसके क्लासिफिकेशन बारे में। क्लासिफिकेशन क्या बच्चों, कि एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बच्चों हमेशा ये पार्ट ध्यान रखना, जहां पे आपको दिखे ये पार्ट, अगर आपको बेंजीन दिखे, या तो pH दिखे, या तो C6H5 दिखे, इन सब का मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक है या एरोमेटिक रिंग है। तो क्या बच्चों, या अगर जुड़ा तो ये आपका एरोमेटिक अमाइंस होगा। अगर बच्चों अगर आपका खाली कार्बन कार्बन चेन होगा तो किस में जाएगा बच्चों, जाएगा वो आपका एलिफेट, वो एरोमेटिक आपका एलिफेटिक कार्बन में जाएगा। तो किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट है कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा एलिफेट होगा, ये बताइए बच्चा। ओके नो सर। एकदम ठीक है, ये पार्ट ठीक है। अब देखो ये पढ़ने पर बच्चों हम पढ़ाई करते हैं, हम ये पढ़ाई करते हैं, इसका नेम्स क्या आएगा। अब बच्चों नेम में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है, लेकिन इतना हार्ड मैं बोलूँ इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है, खाली समझना, खाली आपको समझ जाना। देखो जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो अब देख बच्चों जगह, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कॉमन, अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं एंड IUPAC नेम्स की बात करो, तो कैसे सोचो, ध्यान समझो। देखो कॉमन नेम कैसा है बच्चों, आएगा ये आएगा अल्काइल अमाइन। क्या आएगा बच्चों, आएगा ये आएगा अल्केन अमाइन, इसका नाम आएगा। और IUPAC कैसा आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन, ये इसका नाम आएगा। इतना परेशान बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब बच्चों सपोज करो, मैंने से लिखा है दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है बच्चों? यहाँ पे आपका 3 कार्बन है और आपका अमोनिया है, अमाइन ग्रुप है। तो बच्चा ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब बच्चा इसका नाम क्या चोगा, तो ध्यान दो, प्रोपाइल एक दो नहीं प्रोपाइल नहीं, वो होगा कॉमन है। एन प्रोफाइल अब देखो नहीं, ध्यान से बता दो, ये एन वाला पार्ट है जो वो मैं आपको बता, वो जो एन वाला पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ध्यान, एक बच्चे ने विनय कुमार से ज्वाइन किया, क्या वो मुझे बता पाएंगे विजय कुमार कौन है? मुझे नहीं पता भाई, बाकी को बता। हेलो विजय, है क्या, है मेरी आवाज आ रही है उनको? छोड़ो कोई बात नहीं, ओके। किसी और बैच का चक्कर लगाने आया होगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दे लो, यहाँ पे ध्यान दे लो।
अब देखो यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है, तो तीन मतलब होता प्रोपेन, तो नाम क्या हो जाओगे बच्चों, जो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन अमाइन। नाम क्या हो चुका इसका होगा, प्रोपेन प्रोपेन अमाइन इसका नाम होगा। क्या नाम बच्चों, ये आपका नाम है अल्केन अमाइन, तो वैसे क्या नाम हो चुका इसका, नाम होगा प्रोपेन अमाइन। अमाइन, नहीं इसे हम प्रोपेन वन अमाइन नहीं बोलेंगे अब। हाँ वो भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करते हो वो भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों जब हम इससे कॉमन नेम की बात करेंगे तब इसका नाम क्या है बच्चों आएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्रोपाइल। आप क्या बोलोगे बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे प्रोपाइल अमाइन। क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे अन प्रोपाइल अमाइन, इसका नाम प्रोपाइल। तो प्रोपाइल कॉमन नेम में आता है, जो दिख रहा है ना अल्काइल प्रोपाइल, ऐसे आपको ध्यान रखना। क्या सारे बच्चे समझ रहे अच्छे से, यस एन सर, क्या बोलो दीपे, क्या बोल रहे हो? एन प्रोपाइलामाइन भी तो लिखते हैं ना इसको। हाँ, लिसन लिसन लिसन, मैं आपको बेसिक से बता, बेसिक से बता दो। वो अभी जो आपका एन डालते हैं ना, वो एन वाला भाई आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एन वाला मैं आपको भाई प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो आपको ना प्रॉपरली यहाँ पे इसको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख बच्चों, जैसे यल पार्ट है, क्या सबको ये दिख रहा है यल पार्ट? यस सर, कौन से देखो वाले? ये दिख, ये आपको दिख रहा होगा राइट, ये आपको दिख रहा होगा, ये पहला वाला पार्ट है। अब यस दिखा। सर, अब सर देख बच्चों, जैसे मैं बता दिया, ध्यान दो, देख जैसे देखो बच्चों, एक दो तीन है, तो तीन नाम आ गया बच्चों, आ गया तो प्रोपेन नाम दो, तो ये अब दो, ये आपका प्रोपेन नाम आ गया। अब अमाइन क्या पे जुड़ा बच्चों, सेकंड पे जुड़ा गया, तो नाम क्या है बच्चों, आ गया टू अमाइन, दिया नाम आ गया प्रोपेन टू अमाइन, इसका नाम आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी, ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी। अब कॉमन देख बच्चों, तो कॉमन नेम क्या लिखा बच्चों, लिखा है ये, लिखा गया आइसोप्रोपाइल अमाइन। अभी आइसोप्रोपाइल क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि तो मैं आपको पहले बताया था जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, यस मैंने आपको ये बोलता, अगर आप ऐसे, अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे CH3 CH, और यहाँ पे हो, यहाँ पे होगा CH3, अगर कोई अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उसे इसे इस वाले पढ़ क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इसे, बोलेंगे आइसो हम इसे आइसो प्रोपाइल कहेंगे। वैसे बच्चे मैंने आपको आइसो ब्यूटाइल है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, थर्ड आइसोपेंटेन। ब्यूटाइल, वो सब मैंने आपको बताया था, तो वो भी बचा गया, तो वो भी हम आपको प्रॉपर करा देंगे। तो यस इसका सर, नाम क्या बना बच्चों, इसका नाम बना आइसो प्रोपाइल अमाइन। क्या ये पार्ट सबको समझ आया बच्चों? हाँ है ना, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। अब मुझे बताएंगे अनिका, अनिका मुझे ये बताइए कि ये जो अमाइन यहाँ पर है वो तो कैसा अमाइन है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी या टर्शरी, मुझे पहले ये बताइए, कम ऑन। तो बच्चों अनिका बताइए, सर प्राइमरी, कैसा अनिका, क्या बोला अनिका आपने, प्राइमरी सर प्राइमरी। कैसा होगा बच्चा होगा? अच्छा, अब अनिका ने मिस्टेक किया, एक काम करते हैं दीपिका बताएंगे, नहीं ओके नैन्सी बताएंगे, सर सेकेंडरी। ये कैसा बच्चों, ये आपका सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी कैसा है बच्चा, सर बिकॉज क्योंकि इसमें हाँ बोलो बच्चा, देखो आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा गया है, या तो एक हाइड्रोजन है। अगर बच्चा, अगर आपका एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, तो कैसा होगा बच्चा, होगा वो आपका सेकेंडरी। अमाइन होगा। क्या अनिका अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चा? हाँ है ना, ओके। अब देखो बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम हम देखते कैसे होगा। देखो अब बच्चों आप ये देख पा रहे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब बच्चा नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप है, और आपका राइट साइड में भी आपका दो कार्बन है, तो क्या बच्चों होगा, देखो ध्यान देना। अब बच्चा यहाँ पर जो राइट साइड में बच्चों, उसको काउंट करो, यहाँ पे कितना बच्चों करके ना, यस और दो, तो नाम क्या है बच्चा, आ गया इथेन अमाइन। यहाँ पे क्या नाम बच्चों, यहाँ पे आ गया इथेनाम आ गया। अब देखो यहाँ पर जो एन बच्चों, एन पे क्या, अभी आपका यहाँ पर जो एन है, एन पे क्या जुड़ा बच्चों, जुड़ा गया यहाँ पे, जुड़ा गया मिथाइल, सर,
तो नाम क्या वो बच्चों हो गया, आप बोलोगे एमिथाइल इथेनामाइड। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जहां यस आप लोग, yes. अब देखो जो आपका बड़ा वाला पार्ट होगा उसको आपको साइड में रखना है, लॉन्ग चेन रखना है। जो छोटा ग्रुप होगा हमको उसको एन, उसको हम एन बताना है। ये पार्ट देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका दो कार्बन चेन है और यहाँ पे आपका एक कार्बन चेन है, राइट? यस अब yes, आप कैसे बोलो बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे, यहाँ पे इथे आ गया और यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको जो है ना बच्चों इस एन पे जुड़ा है मिथाइल, तो नाम क्या बच्चों आ गया? आप बोलोगे एन मिथाइल, एन पे आपका मिथाइल है और आपका इथेनामाइन कार्बन चेन है, तो ये इसका नाम आ गया। क्या ये पार्ट से पूछा जा रहा है बच्चों? हाँ या ना बोलो जरा। यस सर अब देखो बच्चों, जैसे हम, जैसे मैं थर्ड वाला, जैसे मैं कब थर्ड वाला बताते हैं बच्चों, थर्ड वाला। अब बच्चा ये जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये कैसा अमाइन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी? अच्छा तो आप बोलो कैसा बच्चों? ये आपका टर्शरी, ये आपका टर्शरी है। अब देखो अभी आप ये देख पाओ बच्चों, देखो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो बच्चा सारा कार्बन एक है। तो एक काम करते हैं हम इसको ना ऐसे नाम, इसका नाम ऐसे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अमाइन बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन, तो क्या नाम आएगा बच्चा का? यहाँ पे नाम आएगा मिथेन। यस अब देखो ये जो आपका एन है ना, ये जो आपका एन है, एन पे क्या जुड़ा बच्चों? यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपका दो मिथाइल है, तो इसका नाम कैसा है बच्चों? आप बोलो बच्चों एन कॉमन, कैसे बोलो? बोलो बच्चों एन कॉमन मतलब क्या? आपका उस एन पे दो मिथाइल है, तो कैसे बच्चों करो करो बच्चों? एन कॉमन, एन कॉमन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ये इसका नाम आ गया। अनिका, लीना, टीना, प्रतिभा, पायल, क्या आप बच्चों, क्या आपको समझ आ रहा है बच्चों? जरा बताइए। क्या मस्त लेवल लिखने अनिका मतलब कि हाँ, मतलब ह्यूमर, अरे यार ऐसा चलता है ना यार, तो नाम तो चलता है। आ रहा सब कुछ समझ में? लीना टीना आप बच्चों देखो, जैसे ये आपका ये एग्जाम्पल पूछो, ये बच्चों ये ऊपर वाला एग्जाम्पल का हेल्प करे समझने के लिए। अब देखो बच्चों आप यहाँ पे ये देखिए कि कहाँ पे लॉन्ग चेन, तो आपके आपके तो बच्चों देखो ये आपका लॉन्ग चेन है, यहाँ पे चार कार्बन है, यहाँ पे लिखा है C2H5 मतलब यहाँ पे आपका दो कार्बन है और यहाँ पे भी आपका दो कार्बन है, अभी क्या तो मैं? नहीं पूछा आपने कितने डिग्री का हाँ अच्छा, अवंतिका मुझे बताइए ये कौन सा डिग्री कार्बन है, ये प्राइमरी है, सेकंड टर्शरी है? है सर? फोर्थ वाला है हाँ ये जो मैं अभी टिक किया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये प्राइमरी सेकंड टर्शरी कौन सा है बताइए जरा? सर, टर्शरी है। एकदम सही बोला आपने, ये आपका टर्शरी है। सानवी, सकीना, लीना, पायल, टीना, मतलब कि सारे बच्चे, समझ आ रहा है ना आपको? यस सर, यस अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल, दो दो जगह पे इथाइल जुड़ा, ये देखो यहाँ पे आपका इथाइल, यहाँ पे इथाइल है। अब बच्चे इसका नाम कैसे हो? ध्यान दो, ध्यान दो, जो आपका लॉन्ग कार्बन है उसको देखो, यहाँ इसको यहाँ पे दिया ब्यूटेन, देखो लिखा है बच्चों यहाँ पे लिखा ब्यूटेन। अब बच्चों ये जो एन है, जैन बच्चों एन कहाँ पे जुड़ा बच्चों? ये जुड़ा आपका फर्स्ट कार्बन, तो नाम आ गया ब्यूट, ब्यूटेन, वो नाम आ गया, नाम आ गया बच्चों। अब देखो ये जो आपका एन है बच्चों, इस एन पे क्या बच्चों? आपका यहाँ पे ये भी इथाइल है टू इथाइल और ये भी आपका ग्रुप इथाइल है, तो नाम क्या बने बच्चों? नाम बन गया, इसका नाम बन गया है एन एन डाइथाइल एन कॉमा एन कॉमा एन डाइथाइल, तो एन कोमा कॉमा एन डाइथाइल ब्यूटेनामाइन, इसका नाम आ गया, सिंपल। बोलना जरूरी है नहीं? हाँ मतलब कि जो, इसे देखो हमारे इसे मेरा मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। जैसे हमारा नाम लिखा है, पहले दीपिका लिखा है, फिर अवंतिका लिखा है, फिर नैन्सी लिखा है, ठीक है? तो कोमा हो गए ना, तो लेकिन जब बोले आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे दीपिका कोमा अवंतिका कोमा नैन्सी, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। हाँ ये आपसे बोला,
तब ऐसा ऐसा ही बोल सकते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। NN डाइमिथाइल ब्यूटेन वन अमाइन से आप बोल सकते, कोई इश्यू वाली बात। मैं कॉमा से बोल रहा बच्चा, बिकॉज यहाँ पे आपका एंड पे आपका दो इथाइल से मैं नहीं लूँ और कुछ नहीं, ठीक है चलेगा। आपने भी एकदम सही बोला, कोई इश्यू वाली बात नहीं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नो सर। ओके अब यहाँ पे देखिए बच्चे, दो अब यहाँ पे देखिए बच्चा, देखो यार ये पार्ट देखो समझ रहे। अब बच्चों ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला में जाता है। क्यों बच्चे, क्यों जाता है एक्सेप्शन बच्चों? बिकॉज इसका जो IUPAC नेम है, जो इसे कॉमन नेम है, ये आपका अलग है। अब देखो अब बच्चों इसका IUP सिंपल है। अब बच्चा इसका IUP सिंपल है, देखो बच्चों यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है, तो क्या नाम आएगा बच्चों? नाम आ गया प्रोप, आगे नाम आ गया। अब देखो वन एंड टू बच्चों, टू पे क्या बच्चों? टू पे आपका है डबल बॉन्ड, तो ना आ गया प्रोप टू इन आ गया बच्चा। क्या आ गया बच्चा? आ गया यहाँ पे आपका प्रोप टू इन आ गया। वन पे क्या बच्चों? वन पे आपका अमाइन जुड़ा है बच्चों, नाम क्या गया? नाम आ गया प्रोप टू इन वन अमाइन। तो ये बच्चा आपका आंसर आ गया। यहाँ बच्चों इसका IUPAC नेम तो सिंपल है, लेकिन बच्चों ये देखो ये क्या लिखा बच्चों? लिखा है, ये लिखा है अलाइल अमाइन। अब बच्चों अलाइल ग्रुप में क्या बोल रहा बच्चों? बोल रहा था कि SP3 के आपका साथ जो आपका पहला कार्बन है वो आपका SP3 होना चाहिए, जो आपका सेकंड वो आपका होना चाहिए वो आपका SP2 होना चाहिए। तो उससे हम क्या बोलें बच्चों? हम उसे बोलेंगे अलाइल अलाइल। तो नाम क्या आ गया बच्चों? इसका नाम आ गया अलाइन अमाइन, इसका नाम अलाइल। है, इसका नाम है। अगर सर इसमें मतलब ये सेकंड जिसमें SP2 होता ना उसके साथ होता ना, तो इसका नाम विनाइल अमाइन होना था ना। क्या बात है, क्या बात, आज लगता है मतलब कि दीप एकदम फुल फॉर्म में है, नहीं मतलब सर, कि मैंने ना नीतीश सर नहीं है उनकी वीडियो देख रखी है बहुत सारे, तो छुट्टियों मैंने वही किया क्योंकि मेरे को पता था ना, मेरे को बहुत डांट पड़ी थी ना आपके वाइवा में, मेरे को याद है सारा। नहीं, मैंने वायु डाटा नहीं था, फिर मैंने डांटा खाली नहीं था सर, ठीक ठाक था जो भी था। आपको बोलता कि थोड़ा कैमरा ऑन करे तार कुछ। ओके चलो कोई बात नहीं। क्या सारे बच्चे लोग ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हाँ या ना अच्छे से? ओके यस सर अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो हमें ना क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छे से आएगा। देखो यस आप भी बच्चों ये पार्ट देखो अभी ना, सारे बच्चे देखो क्या लिखे बच्चों, लिखे बच्चों यहाँ पे आपका IUPAC की बात की है बच्चों, और जो बच्चों यहाँ पे आपका ये नाम दिया गया है, ध्यान समझो। तो ध्यान समझो कैसे दिया, देखो बच्चों यहाँ पे आपका एन और एच है, और यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, अगेन CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब बच्चों इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे, जिन बच्चों लोगों का भी आंसर आ जाएगा वो प्लीज हैंड रेज करना, बोलना मत आंसर। और आपको देखो एक दो तीन चार ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अनिका पायल सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कम ऑन। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ओके दीपिका ने हैंड रेस्ट किया, बाकी सारे बच्चे लीना के भी आंसर आ गया, मुस्कान के भी आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? जिससे आप पूछोगे। एक काम करते हैं, सानवी या लीना में से आंसर बताएं, ऑप्शन बताओ 1 2 3 4 कौन सा आएगा आपके, क्या लग रहा है आपको? सर फोर करना चाहिए हाँ लीना बोलिए बच्चा, क्या बोला आपने? सर, फोर फोर्थ बोला, मेरा भी 4 ही है सर। बहुत बड़े बच्चा, बहुत सारे बच्चे, एकदम सही बोला आपने। क्या बोला बच्चा आपने? बोला फोर्थ सर फोर्थ, आया पक्का ना? यस सर। ओके अब देखो बच्चे, देखो ये मैं बताती हूँ, पहले मैं बताऊँ मैंने कैसे किया। जी जी बोलिए बच्चे, बोलिए।
से मैंने सारे देखे ना, तो मैंने देखे मिथ इट प्रॉप, तो इसमें पेंट दिया था सारे में, फिर मैंने लास्ट ही चुन लिया। ये सेम, और मैंने बिल्कुल मैं मतलब नहीं, मैंने देखा ना। नहीं सर वैसे देखो मैं बता दूंगी आएगा कैसे, पूरा पता है, वो शॉर्टकट भी तो मारना चाहिए ना कभी कभी। अब देखो बच्चों, देखो ये वाला पार्ट है, देखो अब बच्चों देखो ये पार्ट बच्चा अभी आपने पढ़ाई किया, ये पार्ट बच्चा अभी आपने पढ़ाई किया। अब देखो बच्चा ये क्या बात है बच्चों, जो क्या लिखा बच्चों, लिखा है अलाइल मिथेनामाइन। ये क्या ये तो बच्चों, कॉमन नेम ये इसका कॉमन नेम आएगा, ये इसका कॉमन नेम आएगा, तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए, ये इसे कॉमन नेम है। अब देखो एन पे क्या बच्चों, एन पे आपका है मिथाइल है, तो नाम आ गया एन मिथाइल। अब देखो एक दो और ये तीन, तो प्रॉप आ गया, तीन कार्बन है, टू पे डबल बॉन्ड है, इन आ गया, और उन पे आपका अमोनिया, तो नाम आ गया एन मिथाइल प्रोपेनटोमर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। आई होप अभी आपने सारे बच्चों प्रॉपर समझ में आ रहा होगा चलो हम कैसे कर रहे हैं, डन ना। यस सर अब देखो बच्चों जैसे ये एल पार्ट, ये तो हमने पढ़ लिया एल पार्ट, अभी हम बात करते हैं एरोमेटिक की बात करते हैं ना, अब हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं। अब देखो बच्चों ये एल पार्ट देखो ध्यान समझना, अगर बच्चों अगर आपको एग्जाम ऐसे कुछ दिखाई दे, दैट इज पीएच एनएचटू दिखाई दे, ये क्या बच्चों, इससे हम बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन बच्चों से कॉमन नेम भी है और इससे आईयूपीएसी नेम भी है, लेकिन बच्चों इसका बेंजीनामाइन भी तो बोलते बेंजीन मैन भी इसका बच्चा आईयूपीएसी नेम है, दैट इज क्या बच्चों, एक आपका बेंजीन आ गया और एक आपका अमोनिया अमाइन आ गया, तो नाम आ गया बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन इसका नाम आ गया। अब देखो बच्चों यल पार्ट, ये बच्चा ये आपका आईएमपी है। अब होता क्या बच्चों, होता क्या बच्चों एग्जाम में ना ये पार्ट बच्चा भूल जाता है, ये हैं। लिखा क्या लिखा बच्चों, लिखा गया टोलुडीन, तो बच्चा ये बहुत बच्चे समझ बहुत दिक्कत होती है बच्चों, तो इसको बच्चों इस वाले पार्ट को आप सारे बच्चे ना प्रॉपर इसको नोट डाउन करना। अब देखो बच्चे दो, ये आपका अमोनिया है बच्चों, सॉरी ये आपका बेंजीन एनएच2 है, और यहाँ पे आपका अमोनिया अमोनिया बच्चों। अब नंबर कैसे करो बच्चों, देखो ये वन और ये आपका टू, तो आप क्या बोले, बोलो बोलो बच्चों, बोलोगे टू मिथाइल एनिलीन, ये आपका आंसर आ जाएगा, या तो बोलो बोलो बच्चों टू मिथाइल बेंजीनामाइन बेंजामाइन ऐसे बोल सकते, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे कॉमन है बच्चों, ये आपको समझना है, अगर आपका सपोज करो मैं देखता हूं, ये मैंने बेंजीन बनाया, यहां पे लिखा NH3 और यहां पे मैं डाल दिया CH3, तो क्या बच्चों ये आपका है पैरा टोलुडीन, ये इसका नाम आ जाएगा। सब बीच वाला कॉमन नेम है ना और साइड वाला वाला नहीं एकदम होता। से बोला, बीच वाला कॉमन है, मैं साइड वाला आईपीसी नहीं। नहीं सर ये पूछ रही हूँ ना मैं कि अगर मेटा पे हो गया तो मेटा वाला भी होता होगा। होता है ना, लेकिन वो मिक्सचर में आ जाता है, एकदम से बोला मेटा भी आएगा, मतलब कहने की बात के बच्चों आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या बच्चों, आपका बेंजीन पे अमाइन ग्रुप है और आपका मिथाइल ग्रुप भी है, तब जाके आपका नाम आएगा। अब देखो शॉर्टकट क्या बच्चों, तो क्या बच्चों देखो ध्यान दो, हमने पढ़ा था टोलुइन, टोलुइन क्या होता बच्चों, क्या होता टोलुइन, CH3 CH3 क्या होता है बेंजो होता सी एस थ्री होता है, ये होता है टोलुइन, ये आपका टोलुइन है राइट। तो बच्चों ये यस सर अगर आपको टोलू से कुछ दिखाया, टोलू कुछ दिखाई दिया, तो करना इससे समझ ले क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, वो टोलू टोलू दिखाई दे तो आपको ये कर देना है, समझ गए, यस तो याद रहेगा आप। तो थोड़ा फनी सा नेम भी लग रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। नहीं सर इतना प्यारा नाम है। चाइल्डहुड सीक्रेट्स बता रहे हैं सर अपने के उन्होंने कैसे याद किया था। चलो हाँ ये सही बोल, एकदम सही बोल दो, एकदम सही बोल दो। स्टार मिल जाएगा। अब ये देखो बच्चों, देखो ये पार्ट देखो, अब ये पार्ट तो सिंपल है, यहाँ पे एक दो तीन चार आ गया, तो नाम क्या बना बच्चों, फो ब्रोमो एनिलीन बन गया, या तो फो ब्रोमो बेंजीन बन गया। दूसरा नाम क्या यस बच्चों, ये पैरा पे है, देखो सिंपल से बात है, ये ऑर्थो है, ये पैरा मेटा है, और ये आपका पैरा है, है ये पार्ट ऐसा हो जाएगा सिंपल, आ गया आपका ऐसा आ जाएगा। अब देखो बच्चों जैसे ये पार्ट है, अब ये पार्ट थोड़ा समझना चाहिए बच्चों, क्या बच्चों लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है
एन कॉमन डाई मिथाइल बेंजिनामाइन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है और अमाइन तो क्या बच्चों नाइट्रोजन था आएगा। आप क्या लिखे बोलोगे बच्चों, लिखा है एन कॉमन डाई मिथाइल या फिर बोलोगे एन एन डाई मिथाइल। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है। तो क्या बच्चों एन पे क्या जुड़ा बच्चों, एन पे आपका दो, एन हाँ एन पे आपका दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे जुड़े दो पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा गया है। एन तो नाम क्या बच्चों बचा, एन कॉमन या फिर एन एन डाई मिथाइल बेंजिनामाइन या तो एन कॉमन डाई मिथाइल एनिलीन, ये इसका नाम आ जाएगा। एन आई होप सारे बच्चे लोग को यहाँ पे प्रॉपर इसको यहाँ पे समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे यस सर, हैं। बिल्कुल सर। ओके ऐसे आपको समझना है, क्या बात है, आज सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और देखो बच्चों ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर बच्चों, ये हमें ना एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, ज्यादातर एक हफ्ता 6 7 क्लास में खत्म करेंगे। फिर बच्चों उसके पास जो क्लास होगा बच्चों, हम खाली जो जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो जो आपका एंट्रेंस में सबसे आईएमपी है बच्चों, उस वही पार्ट हम पढ़ेंगे और बाकी पार्ट नहीं पढ़ेंगे। और फिर यस सर, आपका पूरा 2 महीने पर जो हम पूरा आपका रिविजन, पूरा बच्चा हम रिविजन करेंगे 11th एंड 12th, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सर एक बात पूछूं। बोलिए बच्चा बोलिए। सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमको स्कूल से फ्री कब करेंगे, मेरे को स्कूल नहीं जाना। मेरे को तो प्रॉपरली जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे ऐसा है ना, इंटरनल असेसमेंट है ना, तो उसमें मार्क्स ही नहीं मिलेगी अगर स्कूल नहीं गई। हाँ देखो बस बच्चा, मेरे सर देखो अटेंडेंस बच्चा, के मार्क्स लगेंगे। देखो ये बात ध्यान रखना बच्चा। देखो आप भले एनआईटी आईआईटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, है ना, जब हम एनआईटी की बात करते हैं ना, ये ध्यान रखना आपको है ना, एक मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो परसेंटेज बच्चा, वो आपका 70+ होना चाहिए। अगर सर मुझे याद तो नहीं, मुझे पता नहीं 70+ है या 65+, मुझे आइडिया नहीं है। जो देखो सिंपल सी बात है, जनरल के लिए 75+ है, सर ठीक है, 75 भी है सभी के लिए, इसमें नहीं है कुछ ट्वेल्थ ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, में। नहीं, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, वो मैं आपको बताएगा आज ग्रुप में बता दूंगा आपको, ठीक है। मुझे नंबर प्रॉपरली याद नहीं है, 65 70 मुझे याद नहीं, पर ये दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना। हाँ देखो जी लेकिन सिंपल से बात है, आप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सब बच्चे बोल रहा हूँ कि आप है ना एनआईटी एडमिशन जोश ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको अपना कट ऑफ मिल जाएगा, वहां पे आपको रैंक पता चलेगा, है ना। और रैंक में मैक वाला पार्ट में आपको बता दूंगा, एक दिन बता दूंगा कि किस मार्क में क्या रैंक आ रहा है, ठीक उस है। दिन बताना, अभी पढ़ा लो। अभी तो हम पढ़ा देता, अभी तो सही देगा, ठीक है, अभी मैं तो कल इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कर लिया बच्चा। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा, दो बच्चे लिखा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द टर्शियरी मेन, कौन सा आप टर्शियरी में, कौन सा वो आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा आपका टर्शरी अमाइन है वो आपको फाइंड आउट करना है। कम ऑन अब बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ध्यान बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको है ना थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। को 3 क्यों लग रहा है पता नहीं। कोई तो बात नहीं, सारे बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे इससे क्या आंसर, कौन सा आपका टर्शियरी अमाइन है। कमल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पोल स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पोल लॉन्च कर दिया, अब आंसर दे सकते हैं सारे बच्चे। मैंने पोल डाल दिया है लाइव पोल, आप एक्टिविटी में जाके इसका आंसर दे सकते हैं, कमल ट्राई कीजिए। और बच्चा आज हमारे क्लास का ये मोटिव था, आज है ना हम आईयूपीएससी कॉमन नेम प्राइमरी पार्ट करते, और आज हमने उसको प्रॉपरली कर लिया, सिंपल। गलत हो गलत से डांटना मत। अरे कोई बात नहीं, चलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, गलती करो चलेगा, आप यहाँ पे गलती करो चले, कोई शो वाली बात नहीं, मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ सारे बच्चे आंसर करेंगे, चाहे सर गलत हो मैंने चले तो ना मैटर नहीं करता। कर दिया, अब मैं तभी देखूंगी जब आप बताओगे, तब तक मैं शांत हूँ।
मुझे लग रहा है कि इस बार सारे बच्चे, इस बैच के सारे बच्चे जो है ना, वो पक्का IIT जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं? पता नहीं सर। जाना तो चाहिए, है कि नहीं? अच्छा जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है एन मिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है बच्चों? एनिलीन ऐसा होता है, ये आपका एनिलीन होता है। अब बोला गया बच्चों एन लिखा है, मतलब क्या बच्चों का? एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे आएगा CH3, है ना? तो कैसा बच्चों, ये सेकेंडरी है, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अगर मैं सेकेंडरी बात करूं, देखो क्या लिखा बच्चों, लिखा है ट्राई इथाइल अमाइन। अमाइन मतलब क्या हो चुका? अब क्या बोला, ट्राई इथाइल मतलब कि तीन इथाइल ग्रुप जुड़ा गया, ठीक C2H5 यही सर। C2H5। तो क्या बच्चों, यहां पे आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों अल्काइल ग्रुप है, तो कैसे बचोगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट मैंने आंसर। यही बोला था ना। तो अभी ना 10 बच्चों का वोट आया, 10 में से 5 लोग का आंसर राइट है, 3 बच्चों ने टर्ट ब्रुटेला मैंने बोला। ओके, कोई बात नहीं, पायल कोई बात नहीं, पायल बोलता ये हेल्पर कर चुका। अब बच्चा टर्ट ब्रुटेल कैसे होता है बच्चों? टर्ट कैसे होता है टर्ट ब्रुटेल? बच्चा टर्ट ब्रुटेल से होता है, राइट? टर्ट ब्रुटल ऐसे होता है ना? ये आपका टर्ट ब्रुटल है। अच्छा अब क्या बोला बच्चों? बोला है, अब बोला है अमाइन, ऐसा हो जाएगा, ये आपका टर्ट ब्रुटल अमाइन है ना? बिकॉज क्या होता है, क्या होता है बच्चों, देखो ये पूरा पढ़ क्या है, ये आपका टर्शरी ब्रुटल है ना, टर्ट ब्रुटल है ना? हाँ, है ना? यस तो क्या आगे बच्चों आएगा? आप बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन टू इज द राइट करेक्ट आंसर, आंसर ठीक है? तो बच्चों मैं यहाँ पे सर। पोल तो बच्चा मैंने यहाँ पे पोल कर दिया। तो बच्चा आज हमारे जो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा आपको है ना, इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लास होना चाहिए, एलिफेटिक एमाइन क्या है उसके बारे में पता पता होना चाहिए। अब बच्चों ये पार्ट क्या बच्चों का? ये पार्ट होगा आपका होमवर्क, अभी करा दो सर है टाइम। ये आपका होमवर्क बचेगा। एक काम करते हैं, 5 में करता हूँ, 5 आपका होमवर्क होगा, राइट? ये हम कर इसे लेते हैं, हम ही करेंगे पर आप ना बताना सही गलत। ओके? तो बच्चे 5 ही करेंगे, तो ध्यान दें, ओके? चलो बच्चों, इसमें आपको ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में आपको इसको क्लासिफाई करना है। यस सर। आप देखो बच्चों, सबसे पहले हम बच्चे पहला पार्ट देते हैं। तो बच्चा फर्स्ट वाला पहला तो टच दिया। क्वेश्चन कैसा है? नहीं, प्राइमरी है। देखो बच्चे, ध्यान समझ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जल्दबाजी में करना। फर्स्ट वाला है प्राइमरी, ठीक ओके? सेकंड वाला, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, एक दो सेकंड बच्चे वाला सारे भी बच्चे, प्राइमरी। लीना, पायल, सानवी, टीना, कमान बच्चों, मुस्कान, क्या होगा? प्राइमरी होगा सर। प्राइमरी 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 होगा, है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल सही सेकंड कहा। सेकेंडरी, फर्स्ट। अब बस जो भी क्वेश्चन में आना, पोल लॉन्च करो ना, मैं पोल लॉन्च करूंगा। यस सर। इस सर वो बोल रहा अब था। देखो, अब बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, ये आपका सेकंड कहाँ से वाला, कुछ थर्ड वाला था सेकंड वाला। थर्ड वाला बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, कोई आंसर नहीं देगा, सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे। पोल बच्चा आएगा आपका एक्टिविटी में, 1 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्शरी है। जो आपका थर्ड वाला बच्चों को बताऊं वो कैसा है, वो आपका कैसा अमाइन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी? एक वोट आ गया, 2 वोट आ गया, 3 वोट आ गया, 5 वोट आ गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वोट में ना टाइम लगता है ज्यादा, तो बोल रहे थे हम। छह वोट आ गया, क्या बात है। एक मिनट और फिर हम खत्म करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अब देखो, दो बच्चे ने बोला प्राइमरी, दो बच्चे ने बोला सेकेंडरी, और छह बच्चे बोला टर्शरी बोला। अब यहां पे दे बच्चे देखो, अगर नाइट अगर मैं तो ठीक बता, ध्यान समझो, अगर आपका नाइट्रोजन पे, अगर आपका नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है प्राइमरी, तो प्राइमरी, एक है तो सेकेंडरी, एक हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी, नहीं है एक तो बिंदु टर्शरी। टर्शरी। तो मेरा आंसर सही है। अब देखो, ये नाइट्रोजन बच्चा, नाइट्रोजन पे इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा सेकेंडरी। सर मेरा आंसर सही है। मेरा भी क्या सारे, क्या सब बच्चों समझ में आ रहा, बच्चों आया ना। कैसा अब देखो, ये आपका फोर्थ आंसर है। प्राइमरी है सर। और बच्चा जस्ट अभी हम ना, अभी हमने ये पार्ट, ये पार्ट किया। क्या बच्चों, ये आपका टर्ट ब्यूटिलामिनल पार्ट है। अब ये कैसा बच्चों, बताओ ये कैसा है। प्राइमरी है सर। थैंक्स। तो ये बच्चा, ये भी आपका प्राइमरी है। फिफ्थ वाला क्या बच्चों, ये वाला भी आपका है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी। और बाकी वाला पार्ट क्या बच्चों, वो आपका होगा। दो बच्चे ज्यादा बच्चे ये वाला ना, टर्शरी है सर, और लास्ट वाला प्राइमरी है। नहीं मुझे आइडिया, वो आपका होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, कल का जो क्लास होगा, सारे बच्चे क्लास में आएंगे, उसको आप आई होप प्रॉपरली वो भी इसी क्लास की तरफ बढ़िया जाए। बढ़िया जाना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात, अब देखो बच्चों, अगर आज अगर हम क्लास को समराइज करें, आज हमने क्या सीखा, तो बच्चों आज हमने अमाइंस का आईयूपीएसी में क्लासिफिकेशन के बारे में प्रॉपर सीखा बच्चा। तो बच्चा आप है ना उसको प्रॉपरली रिवाइज करना, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पता चल गया, आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम क्या पता, क्या बच्चों जो मैंने आपका आईएमपी लिखा है उसको बच्चा आप प्रॉपर नोट करना, फिर आप आराम से बिल्कुल बच्चा आंसर दे पाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है सर बच्चे। सर। अब देखो, अब बच्चों जैसे मैंने आपको बच्चा बोला था, ये दो बच्चों, ये आपका जे क्वेश्चन है जो इससे पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, मैं बोलता आपको इम्पोर्टेंट है बच्चों, जब भी कल आप जो भी पार्ट देखो बच्चों, अगर आपको दिखाई दे रीजन, अगर आपको कोई भी रीजन दिखाई देता है आपको, तो प्लीज आप सारे बच्चों उसको ना उस रीजन को नोट करेंगे, तो करता क्या है, फिर आप आराम से वो क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। यस सर। मेरा ना क्वेश्चन है ना, पर वो ना मैं कल पूछूंगी क्लास में, ओके ठीक है बच्चा, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक याद दिलाना सर, भूलना मत। है। जी, वो तो आपको याद दिलाना, ठीक है मुझे, कि मुझे पूछे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा आपको, ठीक है ना। ओके चलो, सो बच्चा हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको सबको क्लास में बहुत मजा आया होगा बच्चों, आया होगा। बहुत एंड यस, ज्यादा सर। प्रॉपर रिवाइज करना एंड समझ समझ पढ़ाई करना, ठीक है। सो सर बाय बच्चों, आज टेक लगा केयर। होगा ना आपको कि आपने क्लास लगाई है। क्लास तो आप रोज लगाते हो, ऐसा नहीं, मुझे लगा ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं।